दिस इज डॉक्टर एस के सिंह, आई डन माई एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। हाँ, हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु। हिमांशु मेरे बैचमेट हैं और हम दोनों ने एक साथ ग्रेजुएशन किया है, और इन्होंने एमबीबीएस अपना मौलाना आजाद से किया और इवन एमडी भी मौलाना आजाद से किया है। तो वेलकम टू दिस चैनल, नीट निश्चय, नीट निश्चय से नीट निश्चित। हिमांशु, डॉक्टर हिमांशु, सो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे आप? सो डॉक्टर एस के सिंह, थैंक यू. इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर चैनल. थैंक यू। एंड इंट्रोडक्शन तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है. आई हैव डन माय एमबीबीएस एंड एमडी इन रेडियो डायग्नोसिस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज. एंड आई ऑल्सो गाइड स्टूडेंट्स फॉर नीट पीजी प्रिपरेशन एंड आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर पास्ट 3 ईयर्स. इनका एक YouTube चैनल है डॉक्टर हिमांशु गुप्ता MMC, बेसिकली पीजी के लिए है, और इन्होंने काफी मतलब उस पर कंटेंट और गाइड भी करते हैं। डॉक्टर हिमांशु, आपके रैंक कितने थे पीजी में? मेरी रैंक थी 62. नीट पीजी में 62 सिक्सटी रैंक थी. टू और ऑल इंडिया लेवल 62, ग्रेट। मतलब 62 रैंक होने के बाद आपने सिर्फ रेडियोलॉजी क्यों ही सेलेक्ट किया? मेडिसिन भी था, ऑर्थोपाथ था, डर्मा था, वाई रेडियोलॉजी? रेडियोलॉजी में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ठीक है. बाकी अगर हम बाकी मेडिकल ब्रांचेस देखें, जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, उनका जो लर्निंग कर्व है वो भी बहुत बड़ा है. अगर आप मेडिसिन ले लेते हो, सर्जरी ले लेते हो, उसके बाद फिर आप एमसीएच की तैयारी करो या फिर डीएम की तैयारी करो, और फिर एमसीएच डीएम तक भी हमारी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती. उसके बाद हमें पोस्ट डीएम एसआरशिप, पोस्ट एमसीएच एसआरशिप भी लोग करते हैं. तो उस कारण मैंने चूज करा कि रेडियोलॉजी, और रेडियोलॉजी में अपना पीजी करके लोग सेट हो जाते हैं. ग्रेट ग्रेट। और सुनने में आता है रेडियोलॉजी भर भर के पैसा कमाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये एक बेहतर ऑप्शन है। ऐसा कुछ नहीं यार, पैसा हर ब्रांच में है, अच्छा, हर पैसा हर ब्रांच, बंदा कमा रहा है. अगर ओके। डॉक्टर बन जाते तो तुम पैसे तो आराम से कमा ही लोगे. अच्छा डॉक्टर हिमांशु, आप थोड़ी सी जर्नी बताएं। जैसे आप नीट यूजी आपने प्रिपेयर किया, कितना समय लगा आपको नीट यूजी प्रिपेयर करने में? हमने तैयारी इकट्ठी स्टार्ट करी होगी 2009 में. टू यस थाउजेंड तो नाइन में टू अह थाउजेंड नाइन में यस स्टार्ट करा था मैंने. यस 2 साल मैंने तैयारी करी है. ऑल इंडिया पीएमटी होता था हमारे टाइम पे. और सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे साथ ये था कि मेरे फादर भी फिजिक्स के टीचर हैं, तो फिजिक्स की मेरी जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल ही सॉल्व हो गई थी. साल हो गए थे। राइट 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 तो मेरे अपने टाइम पे फिजिक्स में पूरे नंबर थे. हमारा जो मेन्स होता था 480 मार्क्स का होता था, तो उसमें मेरे फिजिक्स में फुल मार्क्स थे. तो सबसे बड़ा जो था मेन पॉइंट था कि यार हम बुक्स काफी सॉल्व कर रखी थी मैंने. जैसे आज के टाइम पर देखता हूँ मैं कि लोग अपने आप को काफी रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं. तो जैसे मैंने देखा था, और जो हमारे साथ वाले ऑल इंडिया वाले लोग आए थे, है ना, तो सबसे बातचीत करके यही पता लगा था कि यार जितने भी टॉपर्स हैं ना, चाहे हम अभी भी टॉपर्स की इंटरव्यूज देख लें, ठीक है, फिजिक्स के लिए सारे टॉपर जो हैं एच सी वर्मा सॉल्व करेंगे, बड़ी बड़ी जितनी भी बुक्स हैं, दो तीन बुक्स तो सॉल्व करते ही करते हैं. बट आज के टाइम पे जो बंदा रह जाता है ऑल इंडिया, मतलब नीट यूजी में अगर रैंक पीछे आता है, उसका मुझे सबसे बड़ा कारण यही लगता है कि वो अपने आप को एक दो बुक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर लेता है. मैंने अपने बट कुछ जमाना भी चेंज हुआ है, क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता था कि क्वेश्चंस का लेवल डाइवर्स होते थे, दैट्स बियॉन्ड द एनसीईआरटी। और मैं मतलब बहुत पहले ये सजेस्ट करता था कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बट पुरानी सिलेबस की पढ़नी है, मतलब नई वाली पढ़नी है, पुरानी पढ़नी है। बट अब जमाना कुछ अलग है, मतलब चेंज हुआ है पिछले 3-4 साल में, क्योंकि मैं नीट यूजी में काफी एक्टिव हूँ, तो 3-4 साल से बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड सारी चीजें। अगर आप एनसीईआरटी फिजिक्स बियॉन्ड केमिस्ट्री भी डाइवर्स, एनसीईआरटी ओरिएंटेड. हाँ, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा. जब आप एमबीबीएस आए, एमबीबीएस मौलाना आजाद, तो मतलब कि एमबीबीएस की जर्नी तो मैं शेयर करता ही रहता हूँ, आपको क्या सबसे ज्यादा ऐसा चीज लगा कि मतलब आपको, आपके पास ऐसा होना चाहिए, मतलब क्योंकि आप एमएमसी इज आई मीन मतलब टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इवन पास करना, प्रॉफ
पास करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट एमएमसी में जा रहा है, एम्स में जा रहा है, तो उसके पास क्या होना चाहिए कि वो सस्टेन करे, 5-6 साल बहुत अच्छे से पढ़ के वो डॉक्टर बन सके, क्या उसके अंदर होना चाहिए? यार एमबीबीएस में मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है ना कि एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब जैसे हम भी फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि यार एमबीबीएस के बाद हमें करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे कि नीट यूजी ले लें, अब नीट यूजी में भी ऐसा होता होगा और बाकी हर एग्जाम में ही होता है कि जो कोई भी बच्चा होता है किसी एग्जाम में सिर्फ 2-3 महीने पहले पढ़ना शुरू करता है। और ऐसे ही हमारे साथ शायद एमबीबीएस में भी होता है। तो सारे जितने भी हमारे 4 साल के एग्जाम होते हैं हमारे 2-3 महीने पहले या 1 महीने पहले आँख खुलती है और तभी हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी मुझे लगता है कि एमबीबीएस का स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो जाता है। रेगुलर अगर पढ़ें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। हर चीज का कंसेप्ट सिमिलर ही है, चाहे वो नीट यूजी हो चाहे वो नीट पीजी हो, अगर किसी भी फील्ड में हो तो मैं रोज कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। राइट राइट, कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। अच्छा डॉक्टर, हम आपसे, हाँ बताइए, अब जब हम आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि आप एज एन एजुकेटर, हम भी अभी बिगिनर्स हैं, तो जैसे आप डेली 2-3 घंटे पढ़ाते हो, ठीक है, 2-3 घंटे नहीं 6 घंटे डेली, तो तभी आप इतने सक्सेसफुल टीचर हो। तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी और किसी काम को डेली करना वही चीज आपकी पहचान बनाएगी। बिल्कुल, अगर हम नीट यूजी भी क्रैक करना चाहते हैं, चाहे एमबीबीएस में अच्छा करना चाहते हैं, चाहे एमडी में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको वो काम पूरी लगन के साथ डेली करना पड़ेगा, तभी हम उस फील्ड में उस एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ग्रेट ग्रेट। डॉक्टर हिमांशु, जब आपने नीट पीजी दिया और मैंने देखा था, मतलब साथ ही जर्नी थी, मतलब दीवार दिखाई नहीं दे रहे थे, खाली पर्चे दिखाई दे रहे थे, एंड आई क्लिक दैट फोटो आल्सो, मैंने आई थिंक फेसबुक या कहीं जगह शेयर किया था ये फोटो, वो तुम्हारा ही प्लेस था, मुझे पता था। सो कितना बड़ा चैलेंज था जब आप नीट पीजी देते हो, कंपटीशन का लेवल बहुत तगड़ा रहता है और बहुत कम लोग होते हैं जिनको खुद का ब्रांच मिल पाता है ना, जब आप जो ब्रांच चाहते हैं वो मिल जाना, इट्स रियली टफ। सो नीट पीजी में कितने बड़े चैलेंजेस होते हैं? यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना, जो आपने जैसे दीवार के बारे में मेंशन करा कि उसको मैं वॉल टेक्निक बोलता हूँ, तो अपने टाइम पे मैं नीट पीजी के टाइम पे मैंने क्या करा था, तो जो भी मैं रोज पढ़ता था उसके मैं 5-6 स्टिकी नोट्स बना के उसको रीडिंग रूम के उसकर वॉल के ऊपर ही उसको पेस्ट कर देता था। और मैंने एक रूटीन बना रखा था कि यार 5-10 मिनट रोज उन स्टिकी नोट्स को पढ़ना है। तो ये मैंने इसलिए शुरू करा क्योंकि एमबीबीएस में जो मुझे लगा कि मेरा वीक पॉइंट रहा था, तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपनी गलतियों से सीखो। तो जो मैंने गलतियां एमबीबीएस में करी थी वो मैंने सोचा था कि यार वो गलती मेरे को नीट पीजी के टाइम पे नहीं करनी। एमबीबीएस में मेरे साथ क्या होता था कि मैं पढ़ता था, ठीक है, बट मेरे प्रोफ में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मतलब जस्ट पास ही होता था। सबकी कहानी ऐसे ही थी। तो पढ़ाई करता था बट रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते थे। तो फिर मैंने अपने आप से बात करी कि यार अगर यही चीज मैंने नीट पीजी में कर ली, मैंने पढ़ाई करी और मेरा रिजल्ट नहीं आया, फिर तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो और फिर मैंने सोचा कि यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, और याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि उस चीज को मैं बार बार ही नहीं पढ़ता, रिकॉल नहीं करता। तो मैंने सोचा कि यार एक मेथड ऐसा होना चाहिए, इजी मेथड होना चाहिए, जिससे तुम्हारा रिकॉल करना या रिवाइज करना इजी भी हो। तो जिस टेबल पे तुम बैठते हो उसी टेबल पे तुम उस चीजों को स्टिक कर दो जो तुम्हें याद करना है और उसको बार बार ही पढ़ो। तो ये तो मैंने अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन में, अब जैसे आपने पूछा कि सबसे बड़ा टफ काम क्या है नीट पीजी की प्रिपरेशन, तो अगर नीट यूजी को नीट पीजी से कंपेयर करें, नीट यूजी में तो आपके पास एक बायोलॉजी है जिसमें आपको रट्टे मारने हैं, एक बायोलॉजी और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, बाकी सारा तो कंसेप्चुअल पार्ट है। तो नीट पीजी में जो सबसे टफ पार्ट है उसमें आपके पास 19 सब्जेक्ट है जिसमें आपको रट्टे मारने हैं, ठीक है, कंसेप्ट भी है बट काफी चीजें आपको याद भी होनी चाहिए।
तो और एक ही दिन में, एक ही दिन में आपको 19 सब्जेक्ट याद हों तो वो सबसे चैलेंजिंग काम है। तो उसके लिए मुझे लगता था कि रिवीजन जो है बड़े प्रॉपर प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। तो राइट राइट उस चीज पर मैंने अपनी 1 साल जो मेरी जर्नी थी नीट पीजी की, उसके ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, जो मेरे 19 सब्जेक्ट थे ना, 19 सब्जेक्ट मैंने 1 साल में 12 महीने में 15 बारी पढ़े थे, 19 सब्जेक्ट। ग्रेट ग्रेट। नहीं, मैं उस समय रीडिंग रूम जाता था, देखता था। आई आई अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। तभी रैंक 62, आई थिंक 52 या 62, 62 62 तभी रैंक आता है, ऐसा रैंक नहीं आता है। तो आपने एक बात कही बड़े ही अच्छे लगे कि मतलब कि आपको 19 सब्जेक्ट को याद रखना है और 3 घंटे में प्रोड्यूस करना है। चैलेंजेस वैसे ही होते हैं, ऐसे नहीं है कि नीट पीजी और नीट यूजी में द लेवल ऑफ कंपटीशन टफ या हाई, ऑलमोस्ट ठीक ही रहता है। बट आपका मतलब टेक्निक बहुत अच्छा होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, पता होना चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, नहीं तो आप अंधेरे में पढ़ोगे, पता नहीं चल पाएगा। ग्रेट। अच्छा, थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाते हैं कि क्योंकि आप 12 महीने में 19 सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, कोई ना कोई ऐसा दिन आता होगा जहां पे ऐसा लगता होगा कि आज आज मन नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा है ना, जैसे आप पिछले दिन से कंपेयर करते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं, आज बेहतर प्रोड्यूस आउटपुट नहीं जनरेट हुआ। तो उस दिन को, जिस दिन मन ना करे, उस दिन कैसे पढ़े? इसका आंसर हम दोनों देंगे, ठीक अच्छा ठीक है। हाँ है। एक आप भी दोगे कि कुछ दिन होते होंगे कि जब आपका पढ़ाने का मन नहीं करता होगा या मूड ऑफ बिल्कुल। होता होगा ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। तो मेरा रीजन तो ये था कि यार, मतलब मैं अपनी लाइफ में कोई एक्सक्यूज नहीं देता। मैंने ये बनाया हुआ है कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो करना है, उसके फिर तुम कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते कि यार आज मैं बीमार हूं, आज मेरे को इससे मिलने जाना जाना है, या आज दोस्त ने बुला लिया उसके पास जाना है, या आज मूवी देखनी है। तो मुझे लगता है कि अगर नीट पीजी जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, वो ओलंपिक रेस की तरह है, ठीक है। वो प्रॉफ का एग्जाम नहीं है, वो कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि कुछ चीजें लिख दी आप पास हो गए खत्म हो गया। ये ऐसा एग्जाम है कि आपको जब तक आप टॉप लेवल की तैयारी नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं बनेगा। अब आज की डेट में अगर नीट यूजी भी देख लें कि किसी के 620 मार्क्स भी आ जाए उसकी भी वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल। जब तक तुम 720 में से 700 मार्क्स या 680 मार्क्स नहीं लेकर आ रहे, तब राइट तक राइट तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये किसी ओलंपिक गोल्ड मेडल से कम नहीं है नीट यूजी या नीट पीजी की प्रिपरेशन। नीट पीजी में भी आज की डेट में उतना ही कॉम्पिटिशन है। करेक्ट। तो इस लेवल पे पहुंचने के लिए कि टॉप 2000 में रैंक लेकर आने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मतलब कुछ रीजंस तो तुम दे ही नहीं सकते। जैसे अब आपका काम है, ठीक है, अब आप बताइए कि आप भी इतने कंसिस्टेंट रहते हो, ठीक है, अपनी क्लासेस में, ठीक है, बाकी सब चीजों में, तो वो कंसिस्टेंसी कैसे आती है? वही है कि जब तक आप मतलब कि मैंने एक बुक पढ़ी थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि जब तक आप अपने डेली काम को परफेक्ट तरीके से नहीं करोगे ना, तो उसमें परफेक्शन नहीं नजर आएगी। अब जैसे आपने शुरू में कहा कि आप बहुत अच्छे टीचर हो, जाने माने टीचर हो, ये इसलिए है क्योंकि मैं हर दिन उसी काम को करता हूँ और परफेक्ट तरीके से करता हूँ, और जिस दिन मन ना करे तब भी करता हूँ। क्या होता है कि स्टेज होता है माइंड का, कि जैसे कभी कभी आपको भी होता होगा कि पढ़ने का मन नहीं करता, फिर जबरदस्ती आप पढ़ रहे हो, और एक ऐसा थ्रेशोल्ड आता है जिससे वाकई पढ़ने का मन कर जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी मन ना करे तो मैं उस थ्रेशोल्ड का वेट करता हूँ और वो आ ही जाता है कभी ना कभी। तो बस वही है कि मन ना करे तब भी पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड जी तोड़ मेहनत। जी ना करे तब भी जी को तोड़ दो और तब भी मेहनत करो, तब भी सक्सेस मिलेगी, ऐसे सक्सेस मिलती नहीं है। डॉक्टर हिमांशु, एक और क्वेश्चन कि आपका रैंक बहुत अच्छा था, रेडियोलॉजी आपने लिया, आपने बता दिया कि उसमें बहुत परफेक्ट है, कितना पैसा कमा लेते हैं एक रेडियोलॉजिस्ट? एक गवर्नमेंट सेटअप की बात करें, अगर आप तो एमडी कर चुके हो, एसआर हो जीबी पंत हॉस्पिटल में, कितना मिल जाता है? यार, एक सीनियर रेजिडेंट की किसी भी डॉक्टर की जो सैलरी है वो फिक्स रहती है, चाहे वो मेडिसिन में हो चाहे वो पैथोलॉजी में हो, राइट 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 ठीक है। तो सैलरी कुछ रहती है 1,30,000, और बाकी उसमें टैक्सेस वगैरह कट के
आपके पास 1,10,000 तक आ जाता है। अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करें मतलब कि हमने गवर्नमेंट से छोड़ दिया, आपने एक्सपीरियंस ले लिया और अगर आपने लैब खोल दिया या अलग अलग लैब ज्वाइन कर लिया, ऑन एन एवरेज कितना अर्न कर सकता है एक रेडियोलॉजिस्ट? यार इस चीज को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है कि एक डॉक्टर या एक रेडियोलॉजिस्ट कितने अर्न कर सकता है जब वो प्राइवेट में जाता है। तो जितना हमें इजी लगता है ना सुनने में कि डॉक्टर्स 4-5 लाख रुपीज पर मंथ कमाते हैं, उतना आसान होता नहीं है कुछ भी। क्योंकि एमडी करने के बाद भी आपको एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए सीनियर रेजिडेंसी का। ऐसा नहीं है कि आपने एमडी खत्म करी उसके बाद आप सीधा प्राइवेट में चले गए, ठीक है। और एक हमने ये अज्यूम कर भी लिया कि आपने एमडी खत्म कर भी ली, एसआरशिप भी खत्म कर ली, उसके बाद जब आप प्राइवेट में जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जॉब आपके लिए खाली है, ठीक है ना, कि आप कहीं पे भी चले जाओ आपके लिए जॉब्स खाली है। कोई एग्जाम नहीं है कि आपने एग्जाम क्लियर करा आपको सीट मिलेगी मिलेगी। तो लाइफ तो शुरू होती है जब आप एसआरशिप कंप्लीट कर लेते हो, राइट, तब आपको इजीली जॉब्स नहीं मिलती। बट अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि कितना अर्न कर लेता है, तो ऐसा होता है कि जैसे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं, अपोलो हो गया, मैक्स हो गया, ठीक है, डांता हो गया, तो वहां पे एक रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी रहती है 2-3 लाख रुपीज पर मंथ, है ना। और अगर आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पे थोड़े सैलरी ज्यादा रहती है, वर्किंग आवर्स भी कम रहते हैं, वहां पे आप 3-4 लाख रुपीज पर मंथ इजीली अर्न कर लेते हैं। बट ये तब हो पाता है जब आपको 6 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे कि एक डॉक्टर कितना कमा लेता है, उसमें बहुत सारे कमेंट थे कि आपने सैलरी बहुत कम बताई है। मैंने पूरे गवर्नमेंट सेटअप का सैलरी बताया था कि गवर्नमेंट सेटअप में कितना सैलरी मिलता है। लोगों को लगता है कि डॉक्टर जो होते हैं बहुत पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो जब कहीं जाते हैं वो देखते हैं कि इतनी लंबी कतारें हैं और वो 500-600 रुपये लेते हैं, तो ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा कमाते हैं। बट हमारा प्रोफेशन रेदर देन अर्निंग मनी कुछ सर्विंग सोसाइटी है। मतलब हम इतना मेहनत करते हैं कि मतलब पूरे MBBS और MD और SRC के दौरान ऑन एन एवरेज कोई व्यक्ति अपने लाइफ में इतना मेहनत पूरे लाइफ में नहीं कर पाएगा जितना हम लोग इस 5-6 साल में कर लेते हैं। इस मेहनत को देखते हुए जितना हमें मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है। तो मैं हमेशा ये कहता ही रहता हूँ, तो अगर आपको पैसा अर्न करना है तो दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू। बट हाँ, अगर मतलब पैसे के साथ थोड़ा बहुत पैसा जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सेट हो जाए और आपको इज्जत मिले, नाम के आगे डॉक्टर लगना एक बहुत बड़ी बात होती है, है ना, समाज में इज्जत होती है, वो सब चीज आपको मिलेगी, लोग आपको देंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा के लिए फील्ड है नहीं, पहली बात। मतलब ठीक ठाक अर्न कर लोगे बट रेदर देन आपको पैसा कमाना, आपको डॉक्टर बन के नहीं आएगा। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप बिजनेस करो ना, फिर आप डॉक्टर क्यों बन रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको बिजनेस करना चाहिए। मान भी लिया कि आप 3-4 लाख अर्न कर रहे हो, तो जिस दिन आप 3-4 लाख भी अर्न करोगे तो उस दिन आपको वो 3-4 लाख भी कुछ नहीं लगेंगे। हाँ, कम लगेंगे बिल्कुल। तो अगर आपको पैसा अर्न करना है तो पैसा अर्न करने के लिए नहीं है। मेडिसिन और MBBS सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ मेडिसिन ही करना चाहते हैं। राइट। अगर आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, फन चाहते हो, पैसा चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, बंगला चाहते हो, तो आप इस ब्रांच से दूर रहिए, क्योंकि इसमें काफी डेडिकेशन चाहिए। और जैसे कि आपने बोला कि यार इतने रिटर्न्स नहीं है, है ना, कि जैसे आप देखते हो कि इतनी मेहनत करने के बाद उतना उनको मिलता नहीं है। तो अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाओगे MBBS में कि यार मैं MBBS में जाते साथ ही ठीक है इतने पैसे कमाऊंगा आफ्टर डूइंग माय MBBS, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। अगर आपकी लाइफ में एम है कि यार मेरे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, जैसे कि नरेश त्रिहन सर जैसे, ठीक है ना, कोई आपकी लाइफ में कोई बड़ा रोल मॉडल है, या आपकी आस पड़ोस में कोई बड़ा न्यूरो सर्जन है जिसको आप एडमायर करते हो, या कोई कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, ठीक है, अगर आप वैसे डॉक्टर बनना चाहते हो, बहुत अपने स्किल में बहुत अच्छा होना चाहते हो, तब आपको MBBS चूज करना चाहिए। बट अगर आप पैसा देख रहे हो, तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई डॉक्टर पैसा कमा भी रहा है, अगर आप सुनते भी हैं कि कोई डॉक्टर 10 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहा है, तो
उसके साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि उस डॉक्टर के पास 10 रुपए खर्चने का भी टाइम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो वो डॉक्टर 9 सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक काम भी करेगा। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिमांशु, और आई होप कि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, स्टूडेंट हैं, आपके बातों को सुनेंगे और अपने जिंदगी में उतारेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर एस के सिंह, इट वॉज अ बिग ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।